नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वन कार्ड के बारे में। तो काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सिविल स्कोर में हमारा जो वन कार्ड है किस तरीके से शो करेगा। काफी लोग का ये सवाल है कि हम जब अपने सिविल स्कोर में चेक करते हैं तो हमारा जो वन कार्ड है उसका नंबर शो नहीं करता है, वहां पे कुछ और शो करता है, इसका मतलब क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वन कार्ड का जो पूरा सिस्टम है कैसे सिविल स्कोर में शो करता है और कैसे आप उसे ट्रैक कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने जो है नोटबुक पे, वहां पे मैं थोड़ा आपको समझा के बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने अपना नोटबुक को ऑन किया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास वन कार्ड नहीं है तो मैं अपने तरीके से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, मेरा ये वन कार्ड का नंबर है 16 डिजिट का, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। मैंने ओनली इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। अब जब भी आप ना सिविल स्कोर चेक करोगे तो आपका सिविल स्कोर में ये आपका कार्ड नंबर न शो करके आपका एक अलग नंबर दिखेगा। वो नंबर आपका 10 डिजिट लेकर आपका कम से ना कम 16 अंक तक का आपका हो सकता है। अब आप लोग के मन में ये डाउट था कि ये क्यों ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी, हर बैंक का अलग अलग रूल होता है। तो जब आप SBI बैंक क्रेडिट कार्ड अगर लेते हो या RBL बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वहां पे दोस्तों आपको जो है दो नंबर शो करेंगे। कार्ड का नंबर अलग होता है और आपका लोन अकाउंट नंबर अलग होता है। कहने का मतलब है कि आप वहां पे अपने फ्रंट पेज पे चेक करोगे तो वहां पे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर अलग शो करेगा और वहां पे एक नंबर और रहता है जो बैंक का एक रेफरेंस नंबर, एक प्रकार का लोन नंबर होता है। तो आप लोग सोचते हो कि आखिरकार ये क्या होता है। दोस्तों देखिए, जब भी आप जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आपका जैसे कि कुछ और बैंक के हैं तो आपको एक कस्टमर आईडी रहता है, एक रेफरेंस नंबर रहता है। तो उस तरीके से दोस्तों इसमें कुछ बैंकों का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ बैंक आपका ये जो कार्ड नंबर है वही सिविल स्कोर में आपका सेम टू सेम शो करता है और कुछ बैंकों में आपका एक अलग से नंबर शो करता है। तो हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। तो अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये अलग मेरा क्यों शो करता है। तो जो आपका वन कार्ड का जो आपका सिविल स्कोर में शो करता है तो ये आपका सेम क्रेडिट कार्ड का नंबर शो न करके आपका एक अलग तरीके शो करेगा। और कोई में अगर किसी में अगर मान लो कार्ड नंबर शो कर रहा है तो इसके लिए आप लोग डरना मत, क्योंकि बैंक जो होते हैं हर बैंक का अलग अलग रूल और पॉलिसी है, मैंने आपको अभी बताया। दोस्तों ये चीज क्या होता है कि जब आप सिविल में रिपोर्ट आपका जब बैंक अगर करती है तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो ये नंबर शो कर रहा है ये उनका रेफरेंस नंबर होता है, समझ रहे हो ना, उनका एक प्रकार का रेफरेंस नंबर होता है, लोन अकाउंट नंबर होता है, जो कि इसके थ्रू आपका सारा रिपोर्ट वहां पे ट्रैक होता है। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। तो आप लोग का समझ जाओ कि आपका कार्ड नंबर और ये लोन अकाउंट नंबर दोनों अलग होता है। जब भी क्रेडिट कार्ड का फ्रंट पेज ओपन करोगे तो आपको दोनों अलग अलग दिखेगा। अभी क्या है, मेरे पास नहीं है, मैं अपना जो है सारा कागजी जो पत्र मेरा है मैंने उसको अभी कहीं और रखा है, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे नहीं है। नहीं मैं आपको दिखाता, और एक बार मेरे संग भी ऐसा हुआ था, मैंने बिल पैड किया और मेरा जो कार्ड नंबर से मैंने बिल पैड किया, मेरे पास मैसेज आया उसमें कुछ और नंबर लिख के, मैं डर गया कि मैंने तो इस नंबर से बिल पैड किया और मेरे पास इस तरीके से क्यों मैसेज आया। मैंने तुरंत कस्टमर केयर में कॉल किया, मेरा RBL बैंक कार्ड था, तो उन्होंने हमको बताया कि सर ये जो आपका है ये आपका लोन अकाउंट नंबर होता है, ये आपका रेफरेंस नंबर होता है जो कि इसके थ्रू आपका ट्रैक होता है, बट वो भी आपका कार्ड नंबर की तरह ही रहेगा। तो ये होता है क्योंकि वो हमेशा आपके कार्ड के जब कार्ड अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम जब आपका वेलकम लेटर आता है उसके साथ आपका शो करता है, बट आपका हर बैंक में नहीं दिखेगा, आपका ओनली SBI में दिख सकता है, RBL में दिख सकता है और आपका IDFC फर्स्ट बैंक में दिख सकता है, सब बैंक में नहीं दिखता है। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे इस तरीके से आपका ये सिविल स्कोर में शो करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिविल स्कोर में 90 दिवस के अंदर आपका रिपोर्टिंग होता है, किसी का अगर रुका है नहीं दिख रहा है तो उनका कोई टेक्निकल इशू होगा, वो भी आपका शो करने लगेगा। शायद आप लोग समझ चुके होंगे
आपके मन में जो डाउट था मैंने उसको क्लियर कर दिया है, क्योंकि तो कुछ लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, तो यही इसका पूरा फुल फॉर्म है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।